हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। न्यूज क्लिक के फाउंडर ने उनकी गिरफ्तारी के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में की अपील। बता दें कि न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रवीर पुरकायस्थ ने उनकी गिरफ्तारी को वैध बताने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। दरअसल UAPA के तहत गिरफ्तार पुरकायस्थ और न्यूज क्लिक के HR हेड अमित चक्रवर्ती के मामले में हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। न्यूज क्लिक पर चीन से फंड मिलने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता से जुड़े हुई याचिकाओं को 5 सदस्यीय संविधान पीठ को भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों की फंडिंग के लिए चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 5 सदस्यीय संविधान पीठ को भेज दिया है। कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई पहले से निर्धारित 30 अक्टूबर को होगी। एक याचिका के अनुसार चुनावी बॉन्ड के जरिए अब तक राजनीतिक दलों को 12,000 करोड़ रुपए मिले हैं। निठारी कांड में सुरेंदर को 12 व मुनिंदर को 2 केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया बरी। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के नोएडा के निठारी कांड से जुड़े हुए 12 मामलों में सुरेंदर कोहली को बरी किया है। ट्रायल कोर्ट ने उसे इन मामलों में फांसी की सजा सुनाई थी। वहीं मुनिंदर सिंह पंढेर को 2 मामलों में बरी किया गया है जिनमें उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। 2006 में निठारी कांड का खुलासा हुआ था। आपको बता दें कि 2006 में निठारी में एक घर के पास नाले में कंकाल मिले थे। IOC की मिली मंजूरी, 2028 ओलंपिक में क्रिकेट होगा शामिल। बता दें कि IOC ने ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी का औपचारिक ऐलान कर दिया है। IOC के कार्यकारी बोर्ड की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई है। भारत में हो रही IOC समिट में इसका ऐलान किया गया है। इसकी शुरुआत 2028 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक से होगी। ये T20 फॉर्मेट में होगा। इससे पहले 1900 के ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया गया था। हालांकि ये खबर पहले ही सामने आ गई थी कि ओलंपिक में क्रिकेट शामिल होगा। सांसदी छोड़ विधायकी का चुनाव लड़ेंगे हनुमान बेनीवाल। बता दें कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी सांसदी छोड़कर एक बार फिर से विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। बेनीवाल ने खुद इस बात की जानकारी दी है। हालांकि वह किस सीट से उतरेंगे इसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। सीट शेयरिंग पर बेनीवाल ने कहा कि RLP के लिए कांग्रेस और BJP को छोड़कर अन्य सभी दलों से गठबंधन की राह खुली है। गठबंधन की परिस्थितियां बनती हैं तो गठबंधन दलों के साथ सीट शेयरिंग पर विचार होगा। शिक्षक संघ ने नीतीश सरकार को दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम। बता दें कि दुर्गा पूजा के छुट्टियों में बिहार के शिक्षक आवासीय प्रशिक्षण लेंगे। सरकार के इस फैसले के बाद शिक्षक संघ आक्रोशित है। संघ ने सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। इसके साथ ही 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों में दुर्गा पूजा का अवकाश पहले से ही घोषित है। हिंदू शिक्षक इस मौके पर उपवास और फलाहार करते हैं। छुट्टी में आवासीय प्रशिक्षण का आदेश कहीं से भी उचित नहीं है। जो बाइडेन की चेतावनी के बाद इजरायल ने कहा गाजा पर कब्जे का कोई इरादा नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की चेतावनी के बाद अमेरिका में तैनात इजरायली राजदूत माइकल हरगोज का बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि इजरायल की गाजा पट्टी पर कब्जे की कोई भी मंशा नहीं है। हरगोज ने कहा कि हमारी गाजा पर कब्जा करने या फिर पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा करने की कोई भी इच्छा नहीं है। हमें 20 लाख से अधिक फिलिस्तीनियों पर शासन करने की कोई इच्छा नहीं है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।